कन्नौज जनपद पंचायत कार्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बहिरबात में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में लाखों रुपये के घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, मृत व्यक्ति के नाम से जाब कार्ड भरकर राशि निकालने का मामला भी सामने आया है। हमारे रिपोर्टर कमल गर्ग राही ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और मौका देखा, जहां विकास के नाम पर काफी गड़बड़ियां नजर आई। ग्राम बहिराबद के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 से लेकर 2022 के बीच पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्य के नाम पर भारी अनियमितताएं की गई है। ग्रामीणों ने 25 अप्रैल 2023 को जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को 15 बिंदुओं को लेकर शिकायत की है, जिसमें दो अलग अलग नालों के विस्तार हेतु करीब 7 लाख रुपए की राशि 2021 में स्वीकृत हुई, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ और राशि निकाल ली गई। बहिराबद से ननासा मार्ग पर बास प्लांटेशन हेतु वर्ष 2021 में 2,88,306 रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन बास के पौधे नहीं लगाए गए। इतना ही नहीं, बास के पौधे लगाने हेतु छगन पिता मुंशी निवासी बहिराबद के नाम से जाप कार्ड भरा गया और राशि निकाली गई, जबकि 2009 में ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा और भी अन्य मामलों में भारी अनियमितताएं की गई है। यदि इन मामलों की जांच की जाती है तो कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। ग्राउंड जीरो से कमल गर्ग राही कन्नौत की रिपोर्ट। आपका नाम बताओ, क्या है? भूरी भाई। कहाँ रहते हो? नहीं, बेराद रहते। बेराद रहते हो? ये अपन जो कुएं पे खड़े हैं, ये कुआ ग्राम पंचायत से मंजूर हुआ था, तो इसमें ग्राम पंचायत ने आपको पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया? अभी तक नहीं दिया। 2 साल की बोला हमारे को। किसने बोला था? अजय, अजय व्यास। तो ये सब जो है आपने अपने पैसे से ही खुदवाया? हमारा गिरा था, खुदाया। हमारा खेत भी कहे कि गिरुआ पटक दो, खोर दे दो, उसमें कुआ तुम खुदा लो। हमारा तुलसीराम परते। कहाँ रहते हो? बेरावत। अच्छा, बलराम तालाब तुम्हारा जो ग्राम पंचायत से मंजूर हुआ है, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा और पंचायत ने कितनी राशि अभी तक दी आपको? 1.5 लाख रुपए अभी अधूरा है और 1.5 लाख में काम करवा दे। और मैं ब्याज वाला आया, कई गाड़ी कागज लाया और रकम रख के आया। मैं बुलडाना बैंक में खाते गाँव। मतलब खुद के पैसे से ही, मतलब तालाब खुदवाया आपने? हाँ। ग्राम पंचायत से आपको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है? कोई पैसा नहीं मिला। वो तो तारीख बता रहा है, 15 तारीख 20 तारीख। हाँ, इनके ठीक है, आज के क्या तुम्हारे जेब से खुदवा लो, बाकी पेमेंट आ जाएगा तुम्हारा। तो हमारे जेब के पैसे से खुदवा लिया मैंने। ग्राम पंचायत में किससे मिले तुम? मैं गया था अजय व्यास सचिव पास। क्या बोला वो? वो तारीख बताते सर। तो पिछले 2 साल पहले आपका ये मंजूर हुआ था ना, और आपको खुदवाए कितना समय हो गया? समय 4 महीना होगा। 4 महीने पहले खुदवाया था? समय पे खुदवाया था मैंने। अच्छा, पर पैसा अभी तक नहीं दिया? अभी तक नहीं दिया। पर अभी दीपावली में बोल रहा था कि दीपावली में तुम्हारा पेमेंट डल जाएगा, अभी दीपावली नहीं आई है। क्या नाम है आपका? कचरू लाल। कहाँ रहते हो? बेरावत। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या तो कहीं नहीं साहब, ये ना से मेरा खेत में खड़ा ये पालाल बांधी, इसमें कोई काम नहीं हुआ नाले में। ग्राम पंचायत ने कोई काम नहीं किया? नहीं, नहीं, ये नाला में कोई काम नहीं किया। और जो ये पत्थर खेत की मेल जो बनाई है, ये किसने बनाई है? ये मैंने खुद ने स्वयं बनाई। ये कब बनाई आपने? ये 2 साल हो गए। अच्छा, मतलब इस आपके खेत के पास जो नाला शमशान घाट के पास, इस नाले में ग्राम पंचायत के द्वारा कोई काम नहीं किया गया? इधर कोई काम नहीं किया, केवल ये ग्राम पंचायत ने यह पुलिया बनाई खाली, बाकी नाले में कोई काम नहीं हुआ। नाला में कोई काम नहीं हुआ और ये शमशान बनाया उन्होंने। नाम है आपका? जगदीश पाटला। कहाँ रहते हो? हम बहिराबद रहते हैं। क्या समस्या है बहिराबद की? बहिराबद की पंचायत जो है, विगत 7 वर्षों में 8 वर्षों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इस पंचायत में। यहाँ पे नाला विस्तारीकरण के नाम पे लाखों रुपए निकाले गए हैं, स्कूल की बाउंड्री वाल, पंचायत की बाउंड्री वाल, उसके बाद में बाम्बू प्लांटेशन और भी कुएं, तालाब, बलराम तालाब के नाम पर लोगों से ठगी की गई है और बहुत सारे लाखों रुपए का यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। और इस संबंध में हमने ग्रामवासियों के साथ मिलकर जनपद पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर महोदय तक कई बार शिकायतें की है, हमारे पास सारी प्राप्ति रखी है, सभी दूर हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले और इस पर कोई कार्यवाही हो। इस ग्राम के विकास के नाम पर लाखों रुपए जो सरकार ने दिए थे, वो कहीं ना कहीं विकास पे ना लगते हुए भ्रष्ट कर्मचारियों और पंचायत कर्मियों के घर पहुंच गए हैं और हम इस बात से बहुत दुखी हैं। अच्छा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि बम्बू प्लांटेशन के समय कोई मृत आदमी के नाम पे भी जाप कार्ड भरा गया था?
जी जी बिल्कुल, मृत आदमी जो 2009 में एक्सपायर हो गए थे उनके अभी तक 2021-22 तक जाप कार्ड भर के पैसे निकाले गए हैं, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे किया है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हुआ है और उन्हें हमें खुद आकर बताया, और उनकी महिला जो है वो भाभी जी मुख्यमंत्री और वो भी आकर यहाँ पर बता चुकी है कई बार, और हम इस शिकायत को लेकर अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात से हम अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश, राजेश परते, पिता धन सिंह, पिता धन सिंह। ये रोड जो मैं खड़ा हूँ इस रोड पे, ये 1 किलोमीटर का रोड है, इसमें मेरे घर से पिता धन सिंह के यहाँ से लगा के तो ठेठ मेन रोड तक बना हुआ, जिस पंचायत ने सिर्फ इसमें क्या लगाया क्या कुछ नहीं करा, बस दो तरफ की नाली खोद के वही मुरम डली है। इस रोड पे इतने गड्ढे थे, पंचायत के द्वारा बनाया इस रोड पे इतने गड्ढे थे, ना तो पैदल जा सकते थे ना कोई गाड़ी नहीं जा सकती, इतने पत्थर उनके पत्थर ही छोड़ दिए इसमें। इस बात में ये रोड का एक तालाब खुदा था हमारे भाई के यहाँ, उस तालाब की मुरम हमने डलवा के इसको बराबर करवाया, पंचायत करीबन शायद 12 लाख रुपए आए होंगे, पर इसमें सिर्फ एक ये पुलिया ही बनाई है उनने जो हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पलिए के बजाय और कोई काम नहीं करा पंचायत ने। अच्छा, आपने जो मटेरियल डलवाया उसका पैसा वगैरह भी पंचायत ने दिया? पैसे, ये पैसे हमने यानी मुरम डलवाया उसके पैसे 1 रुपए भी हमको बताया ही नहीं, कब तो उनने बिल लगा के पैसे निकाल लिया, कुछ नहीं कर, हमने अभी तक चलो आज कर देंगे कल कर देंगे कभी तक, अभी हमने जब भी बोला और ठीक हो जाएगा रोज, अभी आगे तुम आगे देखे चलो यहाँ तक की मुरम डली है, इसमें खरी माने जाए नाली यहीं तक खुदी है, जबकि अभी आधा किलोमीटर रोड और बाकी रह गया है। अभी तो ठीक है, अभी गर्मी में तो हम चले जाते हैं जैसे कैसे, बारिश में उधर हमारी गाड़ियाँ नहीं जाती, गाड़ियाँ ये टप्पर पड़ा है, हम ये पूरी गाड़ी यहीं खड़ी करके जाते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं पूरे। क्या नाम है आपका? कृष्ण भाई। कहाँ रहते हो? वेरावत। अच्छा, ये बताओ कि बांस प्लांट पे तुम्हारे पति ने मतलब जो है काम करा था क्या? नहीं करा था। तो जाप कार्ड तो भरे उनके नाम से? भरा है। अरे तुम्हारे पति ऐसा बताया है कि तुम्हारे पति शांत हो गए हैं? हाँ, तो हो गए शांत। कितने साल हो गए उनको? 14 साल। 14 साल पहले शांत हो गए। हाँ। तो उनके नाम से मतलब जाप कार्ड ये ग्राम पंचायत ने भर लिए? हाँ। और पैसे निकाल लिए? पैसे निकाले, पैसे दिया नहीं। तुमको अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला? नहीं दिया। कहाँ रहते हो? वेरावत। क्या समस्या आपकी? समस्या यही है था कि ये बैड़ी का धर से नाली जो खोदी है उसमें क्या है, मेरा नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और किस उद्देश्य से खोदी इनने क्या वो भी नहीं बता रहा है, और 2-3 लाख की स्वास्थ्य व्यक्ति करवाई है, 6 घंटा मशीन चली, 8x48 5000 रुपया निकाले, और 20 किसान की समस्या, गाड़ा भेल निकल ही नहीं पा रहा है, ना पैदल निकल सकता वो। 21,000 दिया जिन ब्यास में रात है, यह समस्या है, और उनसे पूछा जा रहा है अपन, वो क्या है वो नाली खुद है उसमें 3-4 दस्तखत भी है। अच्छा, ये रास्ता आम किसान उनके आने जाने का? हाँ। वो बारिश में परेशानी आती? बारिश में कुंवार में गाड़े बेल नहीं निकल सके उनका। अच्छा, पास में आपका खेत है? हाँ, पास घर से मेरा तो मेरा तो ये क्या पालल फूट जाती तो इससे नुकसान भी होता होगा? फूट जाती है तो फसल को नुकसान भी होता होगा? नुकसान, बाड़ी सब्जी भी नुकसान। आपका? रोहित गुर्जर। अच्छा, अपन ये कहाँ खड़े हैं? यह बेरावत नानासा मार्ग पर खड़े हैं। अच्छा, यहाँ आपका खेत है? जी, मेरा इसी मार्ग पर खेत है जहाँ बाम्बू प्लांटेशन का आया था, गवर्नमेंट की योजना जो थी जिसका कार्य हुआ नहीं है जमीनी स्तर पर, और इसकी राशि निकल चुकी है पंचायत द्वारा, वर्षों से हम देख रहे हैं यहाँ अभी कोई भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा, किसी भी तरह के कोई मजदूरों ने कोई काम नहीं किया, न कोई गड्ढे खोदे, न कोई बांस लगाए, कुछ भी नहीं करा यहाँ पे, और फर्जी बिल बना के और राशि को निकाल ली गई है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही मार्ग पे खेत है, कोई नहीं देखा ऐसा कोई पेड़ पौधा लगते हुए, ना कोई मजदूर को काम करते देखा, कुछ भी नहीं। सर, ग्राम पंचायत बेरावत की शिकायत के संबंध में थोड़ा विस्तार से बताएं आप। बेरावत की एक शिकायत आई थी जिले से, हमारे पास आई थी, उस शिकायत के आधार पर हमने यहाँ पर जनपद स्तरीय जांच टीम बनाई है, और जांच टीम मौके पर गई है, अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी गई थी, उसके पहले भी गई थी, और आज वापस गई है। उसमें जो फाइंडिंग्स रहेंगे, जो निष्कर्ष रहेंगे, उसके आधार पर उनका प्रतिवेदन बनाया जाएगा, और प्रतिवेदन जिले में प्रेषित कर दिया जाएगा।
जो भी उसमें निकल कर आएगा, यदि कोई जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।